आलू की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए कोफ्ते की रेसिपी लेकर आए हैं और इसको हम अरवे के पत्ते से बनाने वाले हैं। तो बहुत ही हेल्दी भी होता है और बहुत ही टेस्टी होता है और झटपट बन जाएगी, तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। और आप इसको शुरू से लेकर अंत तक देखिए, बहुत ही अच्छा है। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। तो सबसे पहले तो हमें अरवे के पत्ते ही चाहिए। फिर तो हमने इसके डंठल काट लिए हैं इस तरह से। तो देखिए, तो अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मोटा पार्ट लग रहा है तो उसको आप काट लीजिए। तो अभी हम इसको थोड़ा और काटेंगे। और हमने डंठल पूरा अगर आप काट के इसको धोएंगे तब ये फट जाएगा पत्ता। तो थोड़ा सा ही हमने डंठल काटा अभी और उसके बाद हमने इसको अच्छे से पानी से धो लिया है। तो करीब 10-12 ये पत्ते हैं हमारे। तो ये तो पत्ते हो गए। और हमने 2 टमाटर लिया है, तो ग्राम में अगर देखें तो ये 100 ग्राम है। तो इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लिया हमने। और 2 प्याज है, ये भी 100 ग्राम के करीब है, तो इसको हमने ग्राइंड कर लिया। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, तो 10-12 लहसुन और 1 इंच अदरक है। और इसमें मसाले में देख लीजिए, तो थोड़ा सा अजवाइन लिया हमने, हाफ टी स्पून हमने लिया है जीरा, और थोड़ा सा 2 पिंच हमने लिया काली मिर्च पाउडर, और करीब थोड़ा ही लिया है, 3 पिंच समझ लीजिए हमने लिया है हींग, और थोड़ा सा 1 टीस्पून हमने लिया है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और 1 टीस्पून हमने लिया है मिर्च, लाल मिर्च पाउडर। तो इसमें दोनों तरह की मिर्च है, तो एक कश्मीरी मिर्च है और ये तीखी वाली लाल मिर्च है। तो ये 1 टीस्पून है, ये 1/2 टीस्पून है, और सब्जी मसाला भी लिया है 1 टीस्पून, और हमने यहाँ पे 1 टीस्पून लिया है हल्दी। तो बस इतना ही चाहिए। और हमको बेसन चाहिए फ्रेंड, तो इसको हम बेसन से बनाने वाले हैं। तो बहुत ही टेस्टी बनता है ये। तो हमने इसी से लिया है, तो 1 कप ये 250 ग्राम का है, तो एक कप हमने ले लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हमने इसको चार लिया था पहले अच्छे से, और हमने दही नहीं बताया, तो हम इसमें थोड़ा दही का प्रयोग करेंगे। तो उससे क्या होगा, और ही चटपटा हो जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा खट्टी भी नहीं है। तो 1/2 कटोरी है ये, तो इसको हम इधर रख लेते हैं। अब बाकी हम बनाना शुरू करते हैं। हमने इसको नहीं बताया, ये 2 पिंच हमारा मीठा सोडा है, तो इसको भी हमें चाहिए। तो अब हम बनाएंगे। तो थोड़ा सा जो मोटा है उसको थोड़ा सा निकाल लें, क्योंकि यही अच्छा नहीं लगता खाने में, तो इसको थोड़ा सा निकाल देंगे हम। बिल्कुल सॉफ्ट पार्ट ही रहेगा, पत्ते पत्ते रहना चाहिए बस। तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बरसात के टाइम पे बहुत मिलता है और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है फ्रेंड। तो हर चीज़ का अपना एक फ़ायदा होता है, तो सीजनल चीज़ें जो चीज़ मिलती है बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, तो उसको भी खाना चाहिए हमें। तो ये देखिए, सारा पार्ट इसका निकाल दे रहे हैं इस तरह। तो ये देखिए, थोड़ा सा मोटा है तो इसको निकाल देंगे हम। फोल्ड कर लिया और अब काट लेते हैं इसको छोटा छोटा। ये बहुत झटपट बन जाता है, थोड़ा सा चेंज है फ्रेंड, हमेशा वही चीज़ खाते खाते भी बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा अलग स्टाइल से इसको बना दें, थोड़ा अलग हो जाता है ये। इसे काट लेंगे, काट ले रहे हैं इससे, इस तरह से अच्छे से काटिए इसको, जिससे बहुत ज़्यादा लंबे लंबे लच्छे ना हों इसके। और इसके बाद हम बेसन का पेस्ट बनाएंगे फ्रेंड। तो ये हो गया है, इसको किनारे कर देते हैं और बेसन ले लेते हैं। थोड़ा सा हम बेसन बचाएंगे जब हम इसकी करी बनाएंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए, तो 3-4 चम्मच। तो इसी दही में हम डालेंगे इस बेसन को। तो अभी इसको ऐसे रख देते हैं, अभी इसको हमको फेंटना है थोड़ा सा। थोड़ा फेंट लेंगे तो ये हल्का लाइट हो जाता है। तो पहले इसमें सब सामान मिला दें, नमक है और कुछ मसाले मिलाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा मसाला मिलाएंगे इसमें। थोड़ा सा अजवाइन डाल देते हैं, तो ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है फिर, पचाता है खाने को। और ये हींग डाल देते हैं 1 पिंच, और बाकी हम जब इसकी करी बनाएंगे तब उसमें डालेंगे। थोड़ा हल्दी डाल देते हैं, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला और सब्जी मसाला,
बस इसको रख देते हैं और थोड़ा नमक मिला। तो अभी हमको इसके करी में भी डालना है, तो अभी इसमें हम लहसुन और ये जो अदरक है इसको भी डाल दे रहे हैं थोड़ा सा, बाकी इसे करी के लिए रखेंगे। इसको मिला लें अच्छे से। उसके बाद इसको पानी डाल के अच्छा सा गाढ़ा बैटर बनाएंगे, बहुत ज़्यादा हमको पतला नहीं रखना क्योंकि हम इसी में डालेंगे अपने वो पत्ते अरवी वाले। तो पहले थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको थोड़ा फेंटेंगे, तो एक साथ पानी नहीं डालिएगा फ्रेंड, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी डाल देंगे तो इसे लम्स पड़े रह जाएंगे और फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है उसको सही करने में। तो देखिए फ्रेंड, हमने ज़्यादा पतला नहीं रखा है इस बैटर को, और इसी तरह एक दो मिनट हमने फेंट लिया है। अब इसमें मीठा सोडा डाल देंगे, तो देखिए एकदम भी इसमें लम्स नहीं है, ऐसे ही होना चाहिए। तो मीठा सोडा डाल देंगे, तो ये बहुत ही फ्लफी हो जाता है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसमें हम पत्ते डाल देते हैं अरवी वाले, तो एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। इसको मिला लें अच्छे से। ये सरसों का तेल डालेंगे फ्रेंड 1 टीस्पून, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो इसको मिला लेते हैं। तो फ्रेंड, हम चाहें तो जो हमने ये पेस्ट बनाया है इसको हम भाप पहले दें, उसके बाद जो है इसको फ्राई करें, लेकिन इसको हम सीधे क्या करने वाले हैं, इसको फ्राई करेंगे। तो इससे क्या होगा, बहुत जल्दी बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो जैसे बाकी कोफ्ते से फ्राई किए जाते हैं उसी तरह हम इसको बना रहे हैं, तो आप भी इसी तरह करिएगा, एक अलग टेस्ट आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अब हमने तेल इसमें देखिए चढ़ा दिया है और ये अच्छे से गर्म भी हो गया है। अब इसमें तो अभी तेज है हमारा फ्लेम, अच्छे से इसको हम कुरकुरा बिल्कुल अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। तो जो हमने इसे मीठा सोडा डाल दिया फ्रेंड, उसे एकदम हल्का हो गया, देखिए इसमें जाली पड़ रही है, तो मीठा सोडा जरूर डालिए, कि बेसन थोड़ा वैसा होता है और फायदा भी करता है। तो इसको देखिए अच्छे से इसको हम फ्राई करेंगे। अब बिल्कुल लाइट वेट है क्योंकि हमने इसको फेंट भी दिया था, तो पहले फेंटा उसके बाद हमने इसमें मीठा सोडा डाला है। हो गया है, अब इसको निकाल लेते हैं। तो ये आपको बिल्कुल एक अलग टेस्ट का कोफ्ता होगा, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप एक बार जरूर बनाइएगा फ्रेंड मेरी स्टाइल में। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपने पहली बार देखा है इस चैनल को, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए, जैसे कि जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्दी पहुंचेगा और आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा वीडियो डाला। तो और उसके बाद आप कमेंट भी करिए हमें कि हमारा। हमने दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी फ्रेंड, और जो जिस तेल में हमने फ्राई किया था उसमें से करीब इस तरह से 2 बड़े चम्मच हम निकाल लेंगे। तो अभी हमको प्याज वगैरह इसमें जो पेस्ट हमने बनाया है उसको भूनेंगे, मसाला तैयार करेंगे इसका। तो इसमें जीरा डाल देते हैं फ्रेंड, तो 1/2 टीस्पून है। अजवाइन डाल देते हैं और हींग डाल देते हैं, थोड़ा सा इसको हल्का सा पक जाए तो इसमें डालेंगे प्याज का पेस्ट। तो अच्छे से हमको भूनना है जब तक कि तेल न छूट जाए इसके ऊपर से। तो प्याज को अच्छे से हमको भूनना है।
पेस्ट डाल दे रहे हैं और इसको अच्छे से भूनेंगे। तो इसमें मसाले डाल देते हैं पहले। तो मसाले इसमें भून जाएंगे थोड़ा। तो इसमें हमने बहुत ज़्यादा खड़े मसाले नहीं डाले फ्रेंड, क्योंकि हर चीज़ में खड़े मसाले बहुत ज़्यादा डाल दो तो उसका टेस्ट अलग हो जाएगा। क्योंकि ये हम अरबी से बना रहे हैं, अरबी के पत्तों से बना रहे हैं, तो थोड़ा इसका इंडियन स्टाइल होगा लेकिन बहुत ही टेस्टी होगा। तो इसको थोड़ा सा भूनेंगे एक दो मिनट। उसके बाद हम इसमें जो हमने बेसन बचा के रखा है 2 चम्मच है, इसको भी डाल देते हैं इसी के साथ। तो थोड़ा ये भी भून जाएगा, तो कच्चापन इसका दूर हो जाएगा। और इस ये जो है इस करी को थोड़ा गाढ़ा करेगा है। 2 मिनट के बाद हम ये टमाटर का जो पेस्ट बनाया ये भी डाल देते हैं और इसको भूनेंगे 2-3 मिनट। तो हर एक स्टेप पे इसको भूनना पड़ता है फ्रेंड, तभी बहुत ही टेस्टी बन जाता है कोई भी चीज़। तो इसको हम इसको भूनेंगे 2-3 मिनट। 2 मिनट से ज़्यादा ही हो गया, हमारा टमाटर अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें दही डाल देते हैं। तो आधा कप दही है। तो अगर ये दही नहीं हो आपके पास तो आप नींबू डाल सकते हैं, अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही इसका अलग टेस्ट आएगा फ्रेंड, थोड़ा चटपटा हो जाएगा। तो नमक हम अभी तक नहीं डाले हैं, नमक हम सबसे लास्ट में डालते हैं जिससे कि ये बहुत ही दही फटे भी ना और अच्छे से इनको भूनेंगे हम। तो देखिए फ्रेंड, तेल अच्छे से ऊपर आ रहा है, मसाला एकदम छोड़ रहा है तेल इसका। तो बस ऐसे ही हमको भूनना है इसको। और हम इसमें थोड़ा सा चीनी डालेंगे, तो ये 1 टीस्पून डाल देते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि चीनी क्यों पड़ रहा है, तो चीनी ज़रूर डालेगा क्योंकि बहुत अच्छा बैलेंस करेगा, जो खट्टा और जो चटपटा होगा बहुत ही मज़ा आएगा इसको डालने में और खाने में तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसको इस तरह से थोड़ा और भुनेंगे, चीनी को गलाएंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे, और अभी तक हमने नमक नहीं डाला था फ्रेंड। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग हम चाट डाल देते हैं। तो हमारे उस कोफ्ते में भी पड़ा हुआ है, तो 1/2 टीस्पून डाल दे रहे हैं। तो इसको देखिए, इसका भूनने में सबसे बड़ा योगदान होता है सब्ज़ी का, मतलब खूब अच्छे से भून तभी एक कोई भी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बन जाती है। तो हर एक स्टेप पे हम भून रहे हैं इसको। तो जो हलवाई वाले होते हैं फ्रेंड, वो यही करते हैं, वो हर एक स्टेप पे भूनते हैं सब्ज़ी, इसीलिए उनकी सब्ज़ी बिल्कुल अलग होती है। वही मसाले हम लोग डालते हैं फ्रेंड और वो सब्ज़ी बनती नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दबाजी कर जाते हैं। तो अब वो लोग क्या करते हैं, हर एक स्टेप पे उसको भूनते हैं। तो जब तक कि तेल अच्छे से देख रहे हैं सेपरेट हो रहा है, तो इसी तरह होना चाहिए, बिल्कुल अलग हो जाए मसाला। तो हर एक स्टेप पे हमने इसको भूना है। तो आप भी जितना अच्छा भूनेंगे तो ग्रेवी बहुत अच्छी बन जाती है। तो बस ये हो गया है। अब हम इसमें जो थोड़ा सा जो पेस्ट था उसमें पानी है ये हमने डाल दिया है, अब इसको हम डाल देते हैं इसी में। तो ये थोड़ा इसको भूनेंगे एक साथ, अभी पानी नहीं डालना हमको, तो अभी इसके साथ फिर भूनेंगे क्योंकि इसका भी कच्चापन निकल जाएगा। ये अच्छे से भून चुका है, अब इसमें पानी देते हैं। तो अभी हमको अपने कोफ्ते इसमें पकाने हैं फ्रेंड, तो थोड़ा पतला रखेंगे क्योंकि अभी तो अभी इतना पानी हमने डाला है, थोड़ा अभी और डालेंगे क्योंकि अभी जो हम कोफ्ते डालेंगे तो थोड़ा पानी को अब्जॉर्ब कर लेगा। तो बस जब ये अच्छे से एक बॉयल इसमें आ जाएगा तब हम अपने इसमें कोफ्ते डाल देंगे, फिर उसके बाद इसको पकाएंगे। तो अभी इसको बॉयल आने देते हैं। अब इसमें हम कोफ्ते डाल दे रहे हैं फ्रेंड, और इसको भी हम पकाएंगे करीब 2-3 मिनट पकाएंगे। तो जितना इसको अब्जॉर्ब करना होगा पानी को वो कर लेगा कोफ्ता। तो इसको हम अभी डाल दिए, अब पकाएंगे इसको। तो अच्छे से हमारा पक के तैयार हो गया है कोफ्ता, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं फ्रेंड। बहुत ही सॉफ्ट बना है ये कोफ्ता हमारा।
और बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि इसको हमने अरवी के पत्ते से बनाया है। तो ये अभी थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। देखिए अभी अभी थोड़ा सा पतला ही रखना चाहिए शुरू में, क्योंकि ये अभी और ऑब्जर्व करेगा ये। तो देखिए फ्रेंड, अंदर तक इसका इसका जो करी है अंदर तक चली गई है, तो बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। तो आप भी इसी तरह बनाइए। कितना झटपट हमने बना लिया अरवी के पत्ते का कोफ्ता, तो आप भी बनाइए, बहुत ही टेस्टी है। और एक बार आप बनाएंगे तो हर बार बनाएंगे, जब ये बरसात का मौसम आएगा और ये मिलेगा खूब, अरवी के पत्ते मिलते हैं तब। तो बनाइए, बना के खाइए, खाने के बाद अच्छा लगे तो लाइक करिए, ज़्यादा से शेयर करिए फैमिली फ्रेंड में, और बेल आइकन जरूर क्लिक करिए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्दी से पहुँचे। और कमेंट करके बताइएगा हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।